नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, बेरोज़गार युवाओं को लेके जो है कुछ बड़ी खबर लेके आए यहाँ। भाई नौकरी ही नौकरी, भाई आपको जो है जो अभी नई सरकार आने वाली है अक्टूबर में, उस सरकार का जो है आपको कोई भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपको सरकार से पहले जो है नौकरियाँ मिलेंगी, जिसके लिए जो है बड़ी खबर आई है। एक हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के जो साथी में बार बार जो है मैसेज कर रहे हैं कि सर हमारे भी शॉर्ट लिस्ट मैसेज आओगे कि नहीं आओगे, हमें भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपकी जॉब जो कच्ची भर्तियां हैं आप साथियों ने दिखाई दें सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से साथियों, कल जो है पंकज अग्रवाल जी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, इन्होंने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी थी। तो यहाँ पर जो है पत्रकारों ने जो इनसे साफ साफ बातें पूछी कि हरियाणा सरकार ने जो है नौकरियाँ निकाल रखी हैं, HSC के द्वारा भी हैं, और हरियाणा कौशल रोज़गार निगम की नौकरियों के बारे में भी पूछा। तो भाई यहाँ पे जो है इन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया है कि जो HSC की जो नौकरियाँ हैं उसके लिए जो हरियाणा सरकार ने परमिशन ले रखी हैं, क्योंकि वो जो भर्तियाँ वो रेगुलर बेस पे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप साथी जो है साफ साफ देखने का काम कर सकते हो। भाई इन्होंने बताया है, अधिकारी पंकज अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि 4 संहिता का भर्ती प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के निर्देशों में स्पष्ट है कि UPSC राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के माध्यम से नियमित भर्ती, नियुक्ति या पदोन्नति जारी रह सकती है। भाई इसके लिए कोई भी असर जो है नहीं पड़ेगा, ये भर्तियां जो है बिल्कुल करने का काम कर सकें। लेकिन विश्वविद्यालय हरियाणा कौशल रोजगार निगम व अन्य सरकारी विभाग अथवा गैर वैधानिक निकायों के माध्यम से भर्तियों के लिए चुनाव आयोग की जो है स्वीकृति लेनी पड़ेगी। यानी कि जो हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के जो साथी वेट कर रहे हैं कि हमारे शॉर्ट लिस्ट मैसेज आओगे या फिर जो नई भर्तियाँ निकलेंगी के नहीं, तो भाई आप साथियों को बता दें कि आप साथियों के लिए जो परमिशन का प्रोसेस है वो हरियाणा कौशल रोज़गार निगम ने स्टार्ट कर दिया है, निर्वाचन आयोग की अगर परमिशन मिल जाती है तो ठीक है। क्योंकि हरियाणा कौशल रोज़गार निगम ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कराया है, वे कुछ एक भर्तियाँ के जो है उसकी जो है अप्रूवल लेने का काम कराया जावे और उन डिपार्टमेंटों के अंदर जो है भेजा जाओ पहले से लेटर कि हम जो है इस प्रकार से अप्रूवल लेवांगे और फिर जो है इनकी जो भी शॉर्ट लिस्ट या ऑफर लेटर आवे तो उनको जो है ज्वाइनिंग देने का काम कराया जावे। लेकिन जो सरकारी भर्तियां हैं जिसके लिए बेरोज़गार युवा जो है लंबा वेट कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि 30,000 पदों को लेकर जो है भर्ती प्रक्रिया चल रही है और इन पदों के ऊपर जो है साथियों को जो नियमित भर्तियां हैं उसके अंदर चुनाव आयोग की जो है कोई भी अड़चन नहीं आओगी, सिर्फ कच्ची भर्तियों को लेकर आओगी, जिसके लिए जो है साथियों को जो है वेट करना पड़ेगा। अगर चुनाव आयोग जो है इसकी परमिशन नहीं देता तो आपकी जो 4 संहिता है उसके बाद में ही आपको जो है शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिल सके हैं। अगर ये परमिशन मिल जाती है तो आपको पहले शॉर्ट लिस्ट मैसेज दे दिए जाओगे और आपकी ज्वाइनिंग करवा ली जाओगी। लेकिन मेन चीज़ है भाई चुनाव आयोग से जो है इसकी अप्रूवल लेना, जब तक अप्रूवल नहीं आओगी तो आप साथियों को जो है इसकी नौकरियों का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसा कि इन्होंने जो है साफ साफ यहाँ पर बता दिया है। जो पक्की भर्तियां हैं उन्हीं के अंदर जो है बेरोज़गार युवाओं को तोहफा दिया गया है, वह उनके अंदर जो है भर्तियां करवाने का काम कर सका है HSC, इसके अंदर किसी भी कर्मचारी को जो है यहां पे दिक्कत नहीं होगी। तो भाई इस प्रकार से आप साथियों लोग जो भाई यही ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे, और जो साथी यानी कि भाई 58 साल लगी पॉलिसी का वेट कर रहे थे, क्योंकि हजारों कैंडिडेट को लिए जो है और भी तोहफा दिया था CM साहब ने कि इनके लिए हमने जो है चुनाव आयोग से जो है इसकी अप्रूवल मांगी है, लेकिन उस अप्रूवल के लिए जो है चुनाव आयोग ने जो है साफ साफ मना कर दिया है कि अभी जो है उन्होंने कोई भी हमसे जो है अप्रूवल नहीं मांगी है, अगर आगे हमारे पास में आती है तो इसके ऊपर जो है भाई निर्णय लेने का काम कर दिया जाएगा। तो आप साथियों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।